आज हम लोग देखने वाले पेपर प्रेजेंटेशन स्किल के किस तरीके से आप लोग को पेपर लिखकर आना है अपने बोर्ड्स एग्जाम में कि जिस तरीके से आप लोग को अच्छा आप लोग स्कोर कर पाए। अब बहुत सारे बच्चों के मुझे यहाँ मैसेज रिसीव तो होता है कि दीदी हम लोग पेपर लिखकर तो आते हैं बट हम लोग को मार्क्स अच्छे तरीके से नहीं आ पाते। अब यार देखो तुम सब कुछ पढ़कर जाते हो ये बात भी मैंने मान ली है बट तुम लोग को मार्क्स क्यों नहीं आ पाते। अब हम लोग लिखते भी हैं पढ़कर भी बहुत अच्छे से जाते हैं बट चीज़ों को रिप्रेजेंट करना हमें नहीं आता इसीलिए हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो आज मैं एक टॉपर की कॉपी तुम्हारे सामने लेकर आई हूँ कि किस तरीके से ये बच्चे लिखते हैं कि इनको फुल में से फुल मार्क्स आ जाते हैं, किस तरीके से इनके स्किल्स है कि यार देखो कितने नीट एंड क्लीन तरीके से इस बच्चे ने लिखा है जो कि मैं तुम लोग को दिखा भी रही हूँ। देखो क्लियरली एक भी जगह कटपिट नहीं है और बहुत ही प्रॉपर मैनर में लिखा है जिससे कि टीचर को सारी चीजें समझ में आ जाए। तो हम चलो आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके डिस्कस करते हैं कि क्या गलती तुम्हें नहीं करनी है। यार मेरे पास आज साइंस का पेपर है, ठीक है, मेरी मतलब खुद की सिस्टर एक टीचर है, मेरे पास आज एक टॉपर की आंसर शीट है जिस तरीके से उसकी प्री बोर्ड की आंसर शीट चेक करके मेरे पास आई है। मेरी खुद की बहन टीचर है यार, मेरी खुद की सिस्टर, तो मैंने उससे बोला था कि तुम्हारी क्लास में जो भी टॉपर है उसकी मुझे प्लीज यार एक आंसर शीट एक ओवरलुक चाहिए जिससे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बता सकूं कि किस तरीके से आप लोग को लिख कर आना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी तुम लोग ये देखो ये साइंस का पेपर है, ठीक है, इन लोगों के प्री बोर्ड्स का। तो सेक्शन ए आप लोग का आया था तो सेक्शन ए में इसने बच्चे ने प्रॉपर डाला है कि ये सेक्शन ए है। सबसे पहले जब भी आप लोग को कॉपी मिले तो इस तरीके से एक लाइन आप लोग खींच लिया करें, आप लोग लिख सकेंगे कौन सा ये क्वेश्चन नंबर वन है, जिस तरीके से इस बच्चे ने मेंशन किया आंसर नंबर वन, आंसर नंबर टू, आंसर नंबर थ्री, आंसर नंबर फोर, इस टाइप से आप लोग लिख सकेंगे। मेंशन द सेक्शन, सबसे पहले मेंशन करो ये सेक्शन नंबर फर्स्ट है जिसमें आप लोग के एमसीक्यूज आते हैं। इस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से ए लिखा है और उसको डिफाइन भी किया है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बट समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं सिर्फ ए बी सी और डी इस तरीके से लिखकर आगे बढ़ जाते हैं बट नहीं बजा बाटी, तुम लोग को उसको डिफाइन करना है जिससे कि अगर कभी भी कोई मिसकंसेप्शन हो तो तुम्हारे नंबर मार्क कटना हो रहे हो क्योंकि तुमने उसको डिफाइन भी किया है, ठीक है। ए ऑप्शन जो भी है उसने बच्चे ने पूरा लिखा है, जैसे सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, बी ऑप्शन लिखा है इस तरीके से इसने लिखा है। अब बात आती है कि कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग को आते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस में अगर मान लेते हैं कि तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है और तुम माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हो तब तो तुम दिमाग में कैलकुलेशन कर लो एंड जस्ट मेंशन द ऑप्शन एंड उस ऑप्शन का जो भी मतलब पार्ट है वो आप लोग लिख दो। एंड नहीं आपको थोड़ा सा भी कैलकुलेशन पेपर वर्क पे करके देखना है तो मैं तुम लोग को ये सजेशन दूंगी तुम लोग पीछे पेपर वर्क ना करते हुए तुम लोग फेयर पेपर वर्क ही करो जिससे कि टीचर को ये पता लगे कि लिटरली तुमने खुद से ये क्वेश्चन किया है, कोई तुक्का वुक्का नहीं मारा। बिकॉज बहुत सारे चांसेस होते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चों को नहीं आता है तो बच्चे जनरली तुक्का मारते हैं। अगर तुम लोग बहुत श्योर हो तो तुम लोग यार अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम लोग इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज कैलकुलेशन फास्ट है तो माइंड में करके आगे बढ़ जाओ। साथ ही साथ तुम लोग ये देख सकते हो सभी हमारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है, एसेंशियल रीजन हो गया तो उसको भी इसने मेंशन किया है। तुम्हारे पास 30 दिन से भी कम का टाइम बचा है, अभी भी आप लोग चाहते हो 90+ स्कोर करना, 95+ स्कोर करना, तो मैं आप लोग को सीरियसली एक चीज बहुत ज्यादा रामबाण इलाज आप लोगों के लिए बताने वाली हूँ। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल, इसमें आप लोगों को अभी जो चीजें चाहिए सभी चीजें इंक्लूडेड है यार। आप लोग जाके 60 डेज के प्लान में आप लोग अभी जाके इनरोल कर सकते हो। इसमें आप लोग को लाइव क्लासेस मिल रही होगी हमारे टॉप एजुकेटर्स के थ्रू, 24/7 आप लोग को डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल रहे होंगे। तो नो मैटर तुम रात के 12 बजे पढ़ रहे हो 2 बजे पढ़ रहे हो तो तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे डाउट अब कौन क्लियर करेगा या मैं किसी क्वेश्चन में अटक रहा हूं तो इस टाइम पर मुझे कौन बताने वाला है। साथ ही साथ इस टाइम पर तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी है करना वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना, सैंपल पेपर्स देना और क्विज करना। तो ये तुम लोग को सभी चीजें इसमें मिल रही है यार, अनलिमिटेड पीवाईक्यूज, टेस्ट एंड क्विज आप लोग को मिल रही है। साथ ही साथ आप लोग को गाइडेंस मिलेगी सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन के लिए यार, तो इन सभी चीजों के लिए तुम लोग आज ही जाके इनरोल कर लो। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग लेट हो और बाद में हम लोग रिग्रेट करते रह जाए कि काश यार मैंने भी कुछ चीजें कर ली होती जिसकी वजह से आज मेरे नंबर ना कट रहे होते। तो लास्ट चांस है तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का, तभी जाके इनरोल कर लो। एंड साथ ही साथ एक और बहुत अच्छी चीज जो मैं यहाँ बताऊँ आप लोग को, इस पर भी बहुत बड़ा तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा होगा 599 पर भी। अगर तुम लोग सभी मेरे ड्रीम्स लर्निंग फैमिली का हिस्सा हो तो तुम सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आप लोग अगर इस पर कोड लगाते हो SAKINA सकीना लगाने पर तुम्हारे पास यहाँ एडिशनल और डिस्काउंट भी तुम्हें मिल रहा होगा। सो अभी नहीं तो कभी नहीं, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ये तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ आखिरी मौका है अपनी प्रिपरेशन को सुधारने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो ये भी अगेन हमारा वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये वाला उसका गलत हो चुका है। 13 क्वेश्चन पे देखो इसके पास एक रिएक्शन है तो इसने इस रिएक्शन को लिख कर भी बताया है कि किस तरीके से हमारा MnO2 रिड्यूस हो रहा है एंड MnCl2 एंड HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो तुम लोग को भी अगर रिएक्शन लिखकर बताऊं तो ये जो एरोस लगाते हैं इसको हमेशा पेंसिल से मेंशन किया करो, पेन से मत किया करो, ठीक है, क्योंकि पेन हमेशा कभी जेल पेन से लिखते हो तो फैलने का बहुत ज्यादा हमारा वो हो जाता है, डर हो जाता है, ठीक है। सेक्शन नंबर बी पर आ चुके हैं तो इस बच्चे ने सेक्शन नंबर बी
वापस से मेंशन किया है, यू हैव टू मेंशन सेक्शंस, ठीक है, एंड साथ ही साथ वापस से अगेन लाइन खींच लेना हर पेपर पे, जब हमें 15 मिनट आगे के पढ़ने के मिलते हैं ना तभी तुम लोग यार ये लाइन खींच खींच के रखना। वापस इसने क्वेश्चन नंबर मेंशन किया है, आंसर मेंशन किया है। अब यहाँ इसको होमवर्क सीरीज का कुछ क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो देखो इस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन लिखा है। एंड साथ ही साथ वन मोर इंपॉर्टेंट टिप मुझे जो तुम्हें देनी है कि देखो अगर तुम लोग को लग रहा है ना कि इस पूरे पैराग्राफ में जो चीज इंपॉर्टेंट है तो जस्ट अंडरलाइन द वर्ड्स। जैसे मुझे लग रहा है यहाँ 14U ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, CH2 डिफर बाय CH2 यूनिट, तो इसको अंडरलाइन करते हुए भी चलना। इस बच्चे ने नहीं किया बट मैं तुम्हें एडिशनल प्रो टिप तुम्हारे लिए दे रही हूँ। साथ ही साथ अगर एक क्वेश्चन में हमें मल्टीपल पार्ट पूछे जाते हैं तो जस्ट लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ो उसके बाद लिखो, ठीक है। जैसे इसने क्वेश्चन नंबर पहले उसने पूछा होगा व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज, तो उसने इंट्रोडक्शन दिया इस बच्चे ने। साथ ही साथ क्या करा उसके बाद आप लोग को फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट पूछा होगा, तो इसने पार्ट मेंशन किया है, एक लाइन छोड़ी है, फर्स्ट पार्ट मेंशन किया है उसको लिखा है, देन सेकेंड पार्ट लिखा है। तो इस तरीके से तुम लोग नीट एंड क्लीन प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो। हैंड राइटिंग थोड़ी सी छुट्टी लिखने की कोशिश करना, इतनी कर्सिव मत लिखना कि आर को एस बना दे एंड एस को आर, तो समझ में नहीं आएगा तुम्हारे एग्जामिनर को। साथ ही साथ देखो अब तुम लोग देख सकते हो नेक्स्ट ये वाला इसने क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा, तीनों पार्ट के बीच में इसने एक एक लाइन छोड़ी है जिससे कि यार थोड़ा सा हमारा पेपर मतलब एकदम हॉच पॉच ना दिखा, एकदम गंदा ना दिखे, थोड़ा सा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन प्रॉपर वे में हमें दिखना चाहिए। नेक्स्ट यार सेक्शन नंबर सी अगेन इसने यार यहाँ मेंशन किया है। सेक्शन नंबर सी में आप लोग देख सकते हो वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शंस पूछा गया है, तो जब भी तुम्हें कभी डिफरेंस पूछे जाते हैं मेक अ टेबल, ठीक है, इस तरीके से तुम लोग को कॉलम बनाना है, ठीक है, देन हम लोग को मतलब एक पार्टीशन करना है और दोनों डिफरेंसेस को लिखना है। फर्स्ट ऑप्शन में इसने लिखा है कि देखो ये पहला डिफरेंस है, मान लो अगर ये तीन लाइन में कवर हो रहा होता तो आप लोग को यहाँ भी तीन लाइन छोड़नी है, ठीक है, इधर मिसमैच मत करना प्रॉपर। अगर ये वाला पोर्शन तीन लाइन में कवर हो रहा है और ये दो लाइन में हो रहा है तो यहाँ भी एक तीसरी लाइन छोड़ो एंड एक लाइन छोड़ने के बाद एक गैपिंग दिया करो, देन नेक्स्ट ऑप्शन लिखा करो। देखो इसने हमेशा एक एक लाइन छोड़ के गैपिंग दी है, ठीक है। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट टिप आप लोग को देना चाहूंगी कि जैसे वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शन, इस बच्चे ने एग्जाम्पल नहीं दिया, जब भी तुम्हें कभी डिफरेंसेस लिखने को आते हैं जस्ट गिव वन एग्जाम्पल हियर, ठीक है, जब भी तीन नंबर का क्वेश्चन है तो तीन डिफरेंस दिए और एक एग्जाम्पल हमेशा तुम लोग लिखकर आओगे। अब आगे चलते हम लोग, देखो अब हमारे पास आगे न्यूमेरिकल वाला सेक्शन। जब भी कोई न्यूमेरिकल आ रहा है, मान लो तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं आता है, कभी भी तुम्हें न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, तुम एटलीस्ट इतना तो लिख सकते हो ना, क्वेश्चन नंबर डाला, गिवन क्या क्या चीज है उससे गिवन डाला, टू फाइंड लिख सकते हो उसके ऊपर, टू फाइंड करके लिख सकते हो इसके ऊपर, ठीक है, बच्चे ने नहीं लिखा है पर मैं बता रही हूँ टू फाइंड करके, या तुम्हें ऐसा भी लिख सकते हो जो भी चीज निकाली है उसको आर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क करा एंड उसको बॉक्स में अपने बंद कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, जो भी फॉर्मूला है तो तुम इस तरीके से लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये एक लाइन मेंशन करो, इससे ना बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये प्रेजेंटेशन की कुछ हमारी टिप्स है कि इस तरीके से लिखोगे, ये फॉर्मूला हो गया, अगर तुम्हें कैलकुलेशन नहीं भी आती तो एटलीस्ट फॉर्मूला तक लिख कर आओ, इसका भी एक नंबर तुम्हें हमेशा यहां मिलता है। तो देखो इसने ये सारी चीजें लिखी, देन आंसर को हाईलाइट करने के लिए इसने वापस आंसर को बॉक्स में बंद कर दिया है। तुम भी जहां तुम्हारा आंसर आ रहा है उसको एकदम तरीके से बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। देन इसने आर निकाला, जहां जहां जितनी वैल्यूज ये फाइंड करते गया है उस पर्टिकुलर आंसर को ये बॉक्स में बंद करा, जैसे इसने यहाँ आर निकाला है या आई निकाला है तो आई को भी इसने अगेन बंद करा। देन इसने ये बताया है कि ये कितनी हो गई तो इसको अंडरलाइन इसने यहाँ करते हुए चला है, ठीक है। साथ ही साथ मैं बात करूं अब आप लोग की रिएक्शंस पूछी जा रही है, रिएक्शंस में यार देखो जब भी कोई रिएक्शन तुमसे पूछी जाए ना उसका हमेशा अगर तुम्हें फिजिकल स्टेट आता है तो हमेशा मेंशन करके आना, उसे ना एक नेक्स्ट लेवल का प्रेजेंटेशन दिखता है, ठीक है। जैसे इस बच्चे ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी है, उसको बॉक्स में भी बंद किया है बहुत प्रॉपर तरीके से एंड उसने हर किसी का फिजिकल स्टेट लिखा है, देखो एस एक्वस, ठीक है, एक्वस और सॉलिड। तो यार प्लीज फिजिकल स्टेट सबके याद करके जाना, ठीक है, एंड कभी तुम्हें टेम्परेचर वगैरह दिया हो, डेल्टा वगैरह दिया हो तो वो लिखना बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, नहीं तो उसके मार्क्स डिडक्ट हमेशा हमेशा होते हैं। तो हमेशा याद रखना कभी रिएक्शन वाला क्वेश्चन है उसको बॉक्स में बंद करना है एंड फिजिकल स्टेट लिखना है, एंड कभी टेम्परेचर वगैरह दिया हो तो उसका खास ध्यान रखना है, टेम्परेचर जैसे अगर 373 केल्विन तो उसके एरोस पर लिखना हमेशा मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे बायोलॉजी में आप लोगों को बहुत सारे डायग्राम्स बनाने के लिए आते हैं, डायग्राम जैसे ही तुमने बनाए लेबलिंग अच्छे से करके आना, अगर तुम एक भी लेबलिंग मिस आउट करते हो तो वहां तुम्हारा नंबर डेफिनेटली कट रहा होगा। तो देखो इस बच्चे ने सेक्शन नंबर डी वापस से मेंशन किया है, डायग्राम बनाया एंड देखो इसने कितने प्यारे तरीके से लेबलिंग करी, अगर तुम एक भी लेबलिंग भूलते हो तो लेबलिंग का नंबर डिडक्ट हो जाएगा। हमेशा डायग्राम पेंसिल से बनाओ, लेबलिंग भी पेंसिल से ही करो, ठीक है, एंड बार बार इस पर हाथ मत रखना बिकॉज ग्रेफाइट फैलने का डर हो जाता है, ठीक है, ये काला काला दिखने लगता है।
जाएगा, कब तक मिटा रोगे, टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। एंड उसके नीचे बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और जो भी तुमने लेबलिंग करी ना उसको या तो अंडरलाइन कर सकते हो, या इस बच्चे ने बॉक्स में बंद कर दिया तो तुम भी बॉक्स में बंद कर सकते हो। अच्छा लगता है, काफी नीट एंड क्लीन एंड एकदम ब्यूटीफुल सा दिखता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसको कॉन्वेक्स मिरर दिया था बनाने के लिए, तो यार जब भी रे डायग्राम बनाओ तो अगेन रे डायग्राम को भी तुम लोग यार स्केल की हेल्प से बना सकते हो। जैसे ये वाला इसने हाथ से बनाया, तो मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगी कि हाथ से मत बनाना, वो हमारा डी आता है ना जो मतलब आधा चांद जिसको बोलते हैं, उस डी से तुम लोग हमेशा कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर को बना सकते हो। एंड प्रॉपर यार बहुत अच्छे तरीके से इसकी लाइंस वगैरह स्केल के मदद से आप लोग खींचना, अपने हाथ से खींचने जाओगे तो बिल्कुल भी आड़ी जैसी लाइन नहीं जाएगी, एंड प्रॉपर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाकर आना। मतलब अगर तुमने थ्योरी में थोड़ा बहुत गलत भी लिखा है ना एंड तुम्हारा डायग्राम बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ है ना, तब भी तुम्हें फुल मार्क्स यहाँ अचीव हो रहे होंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी पूरी थ्योरी पढ़ने बैठेगा। तो जस्ट हाईलाइट द पॉइंट्स, जैसे इसने लिखा है कॉन्वेक्स मिरर तो कॉन्वेक्स मिरर को उसने हाईलाइट किया है, जैसे मैंने डिमिनिश्ड लिखा है तो डिमिनिश्ड को तुम अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे जो जो पॉइंट्स तुम अंडरलाइन करते हो ना उस पर तुम्हारे एग्जामिनर की निगाह जाती है कि हाँ यार बच्चे ने ये वाला पॉइंट भी अंडरलाइन किया, ये वाला पॉइंट भी अंडरलाइन किया, तो इस तरीके से तुम लोग पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हो। जैसे इसने 8 एम्पियर को अंडरलाइन किया, दिख रहा है 8 एम्पियर को इसने अंडरलाइन किया है, तो इस तरीके से चीज़ों को तुम अंडरलाइन करो कि हमारे एग्जामिनर का पर्टिकुलर यार ध्यान उसी अंडरलाइन के ऊपर जाए। तो इस तरीके से नीट एंड क्लीन कॉपी यहाँ मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, उसकी मैंने PDF बना के इधर आईपैड में तुम लोग को शो कर दिया था, जिससे कि तुम्हें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बचा पाटी यहाँ मिल जाए। तो ये तुम्हारे डिफरेंसेस है, ये वो वाला न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, आप लोग का सारी चीज़ें हो गई। तो इस बच्चे को टोटल यार बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, तो मैंने आप लोगों के साथ ये पर्टिकुलर पूरी कॉपी शेयर कर दी, तो तुम लोग को भी समझ में आ गया होगा कि आप तुम लोग को किस तरीके से लिख कर आना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। एंड तुम्हारे पास अगर थोड़ा भी फ्री टाइम है तो तुम हर क्वेश्चन के नीचे एक लाइन खींच सकते हो, ठीक है। इस बच्चे ने नहीं खींची बट मैं मेरे तरफ से एडिशनल प्रो टिप दे रही हूँ, तो जिससे क्या होता है पार्टीशन लगने लग जाता है एंड और भी अच्छा तरीके से तुम्हारा ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन दिखता है। हर क्वेश्चन के बाद जस्ट मेक अ लाइन, ठीक है, एक एक लाइन तुम लोग इस तरीके से खींच सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका रहेगा। या फिर हर सेक्शन के बीच में तुम लोग पार्टीशन कर सकते हो, जैसे यहाँ सेक्शन ए खत्म हो रहा है तो मेक अलाइन, ठीक है, देन यहाँ से हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे प्रॉपर अलाइनमेंट दिखता है, प्रॉपर पार्टीशन आप लोगों के नजर आता है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बचापटी बहुत हेल्पफुल रहा तो इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं बहुत इंपॉर्टेंट तगड़ा कंटेंट लाने वाली हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि उस कंटेंट को पढ़ के तुम लोग 98% स्कोर कर रहे होंगे। और मैथ्स की फॉर्मुला शीट ऑलरेडी डाल दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के भी डाल दिए, तो एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन पर आप लोग के लिए लगा दूंगी। टिल देन कीप लर्निंग, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को दोस्तों के साथ, एटलीस्ट यार 10 दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर।